इस हवाले से बहुत सी किस्में हैं। एक मुतवातिर हदीस होती है जिसके के हर लेवल पर बहुत से रावी मौजूद हैं। हुजूर से कई सहाबा ने सुना हो, फिर उनसे हर सहाबी से कई ताबीन ने सुना हो, फिर हर ताबी से कई जो है तबे ताबीन ने सुना हो। तो हर जो लेवल है रिवायत का उस पर मुतअद्दिद जो है कसीर जो है रावी मौजूद हो, तो ऐसी हदीस को मुतवातिर कहा जाता है। इसका ये बहुत ऊंचा दर्जा हदीस के अंदर। इसी तरीके से मशहूर हदीस उसे कहते हैं कि रावियों की हर सतह पर कम अज कम तीन रावी, वो तीन से भी ज्यादा हैं तब तो हो गए मुतवातिर, लेकिन अगर ये कि कम से कम तीन हर लेवल पर मौजूद है तो वो मशहूर कहलाए। लेकिन अगर कोई एक रावी है चल रहा है तो फिर उसको गरीब भी कहेंगे, खबर वाहिद भी कहेंगे। इसी तरह हदीस सही, हदीस हसन, हसन ले गैर ही, हसन ले जाती, ये मुख्तलिफ जो है अहादीस के सनद के एतबार से मुख्तलिफ दर्जे हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं। अलबत्ता उसके बाद फिर आता है हदीस ज़ईफ, कमजोर हदीस। कमजोर हदीस किसे कहते हैं? जिसमें किसी एक रावी के बारे में शक हो कि या तो उसका किरदार जो है वो मेयारी नहीं था, उसके अखलाक, उसकी सीरत, उसके मामलात दुरुस्त नहीं थे, एक रावी है बीच में ऐसा, तो ज़ौफ पैदा हो गया, कमजोरी पैदा हो गई उस रिवायत के अंदर, उस लिंक के अंदर एक कड़ी जो है वो या कि कमजोर है, और या ये है कि उसके बारे में ये मालूम हो कि उसे सूए हाफिजा मेमोरी जो है वो उसकी कमजोर और उसके अंदर खराबी हो, तो उसके भी शक पड़ जाएगा। तो अगर किसी एक कड़ी में भी इन दो में से कोई एक वस पाया जाता हो तो वो हदीस ज़ईफ कहलाएगी। इससे फिर सबसे नीचे दर्जा जो आता है वह आता है मौजू का, जिसके बारे में मुहद्दिसीन ने तहकीक करके छानबीन करके ये फैसला कर दिया कि ये तो घड़ी हुई हदीस है, झूठी हदीस है, इसकी हुजूर की तरफ निस्बत सही नहीं है। ये फिर अपनी जगह पर उन मौजूआत को भी जमा कर लिया गया है जितनी हदीसें वज़ा की गई हैं किताबुल मौजूआत, तो मौजू हदीसों को भी जमा कर लिया गया, यानी इस दर्जे मामला किया गया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल और अफ़ाल और तकरीर के ज़िम्मे में। अलबत्ता इसमें एक बात मैं अर्ज करूँगा कि आम तौर पर किसी हदीस के साथ लिख दिया जाए ज़ईफ, तो आज हमारा ख्याल ये होता है कि इसको छोड़ो, नहीं ये नहीं। हदीस ज़ईफ जो है वो ज़ईफ़ रिवायत में किसी एक कड़ी के अंदर भी अगर कोई ज़ौफ आ गया तो ज़ईफ़ कहलाएगी, लेकिन ज़ईफ़ हदीसों के अंदर बहुत सी आला हदीसें मौजूद, हिकमत के मोती मौजूद, इल्म और हिकमत की कीमती मोती मौजूद। उसकी वजह क्या है? देखिए, एक है सच का सच होना, एक है सच का सच साबित हो जाना। कितने सच होते हैं जो अपनी जगह सच है उनको साबित आप नहीं कर सकते। आपने वो क्लास से सुना होगा कि खाली सच पर कोई एक मुकदमा भी नहीं जीता जा सकता, कुछ ना कुछ झूठ उसमें शामिल करना पड़ता। तो सच का सबूत जो है वो आसान काम नहीं है। इसका ये मतलब नहीं जो सच साबित ना हो सके वो झूठ है, ये नहीं है। सच साबित नहीं हो सका ये अपनी जगह बात हुई, लेकिन फिर क्या उसको हम कहेंगे झूठ है? ये नहीं। तो हदीस मौजू जो है वो हदीस ज़ईफ जो है वो कमजोर तो है, मौजू नहीं है, वो मतरूक नहीं होगी, वो छोड़ी नहीं जाएगी। हाँ, उससे कोई हुक्म शरई नहीं निकलेगा। शरीयत का हुक्म किसी शय की हिल्लत, हुरमत, फर्जियत वगैरह, ये हदीस ज़ईफ से नहीं होगा। शरीयत के अहकाम जो है वो बारह उससे बारह तर जो मैंने आपके सामने तबकात रखे हदीस के, फिर उन्हीं से जो है शरीयत के अहकाम का इस्तेमाल होगा। ज़ईफ हदीस से शरीयत का कोई हुक्म साबित नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, हिकमत के मोती बड़े बड़े इल्म के, हिकमत के, वो आपको ज़ईफ हदीसों में मिलेंगे। और ये तकरीबन इजमा है उम्मत का कि ज़ईफ अहादीस जो हैं वो फजाइल के ज़िमन में काबिल कबूल है, जिसमें किसी अमल की फजीलत बयान हो रही है उसके ज़िमन में जो ज़ईफ अहादीस है वो काबिल कबूल है, उनको इख्तियार किया जा सकता है। हमारे बहुत से बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन इमा ने ज़ईफ अहादीस को अपनी किताबों में शामिल किया है। वो साबित तो नहीं हो सकी और सनद के एतबार से साबित नहीं हो सकी, कहीं एक जगह भी कोई अगर
रखना पड़ गया तो इसका मतलब है कि वो ज़ईफ हो गई। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि वो झूठी है या घड़ी हुई है। उसके लिए लफ्ज़ मौजू का हदीस मौजू वो घड़ी हुई, जिसको कि मुहद्दिसीन ने सोच समझ कर जो है वो मौजू करार दिया।